नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, उबलते हुए चाय में डाल दे ये चीज, स्त्री आपको देने के लिए तड़प उठेगी। यदि आप उबलते हुए चाय में इस चीज को डाल देते हैं तो स्त्री आपको देने के लिए तड़प उठेगी, बेचैन हो जाएगी, बिना आपको देखे नहीं रह पाएगी, बिना आपसे मिले नहीं रह पाएगी, आपको बार बार कॉल करेगी, मैसेज करेगी, आपको अपने पास बुलाएगी, आपके बाहों में गिरेगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का उपाय बताने जा रहा हूं। यदि कोई स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, वो स्त्री आपकी बात को नहीं मानती है, आपके बात को मजाक में उड़ा देती है, टाल देती है। यहां तक कि बहुत सारी स्त्री ऐसा है कि आपसे पैसा लेती है, आपके पैसों से मौज मस्ती करती है, लेकिन जब आप मांगते हैं तो आपको नहीं देती है। आपका मन व्याकुल हो जाता है, आपका मन परेशान हो जाता है, तो आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि टोने टोटके पर अगर आप विश्वास करते हैं, इस विद्या पर अगर आप विश्वास करते हैं, तो आज ही इस प्रयोग को करके देखें, आपका स्त्री का प्यार आपको मिलेगी, स्त्री का मोहब्बत मिलेगी, वो आपके दासी बनकर के रहेगी, जहां बुलाएगी वहां पर आएगी। रात में हो चाहे दिन में हो, जहां पर बुलाओगे वहां पर वो आने को मजबूर हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, उबलते हुए चाय में कौन सा चीज को डालना है, तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, आपको एक ऐसा वस्तु मैं बताऊंगा, वस्तु के अंदर में भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा रहती है, माता पार्वती की कृपा रहती है, और माता पार्वती और कृपा को पाने के लिए और भगवान शंकर जी का कृपा को पाने के लिए इस उपाय को करें, लेकिन गलत प्रयोग में ना करें। अगर जीवन भर के लिए उसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जीवन भर के लिए आप उसका मोहब्बत को आप पाना चाहते हैं, और जायज भी इस काम को अगर आप कर सकते हैं तो अति आवश्यक करें। बहुत ही शक्तिशाली वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं, तो कैसे होगा चलिए मैं बताने जा रहा हूं। सुबह सुबह जब भी आपको ये चाय जो है बनाना है, वो आपको अपने हाथ से बनाना है। सुबह सुबह का जब भी आप चाय पीते हैं तो अपने हाथ से आपको इस चाय को बना करके आपको पीना है। लेकिन जब चाय खोलने लगे तो वो वस्तु को जो है उस चाय में डाल दीजिएगा, और उसी चाय को आपको पीना हो, चाय किसी को देना नहीं है। तो कैसे करना है, तो एक ऐसी वस्तु मैं बताने जा रहा हूं, उस वस्तु को क्या करना रात के समय में, पहले इसकी विधि जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये वस्तु कौन सा चीज है। तो यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर ऑल कर दे, ताकि आप मेरे सारे आने वाले वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी। तो रात के समय वो वस्तु को हाथ में रख करके 2 मिनट तक उस स्त्री का नाम लेकर के हाथ को कस के मुट्ठी बांध लीजिएगा, और 2 मिनट तक उस स्त्री का नाम लेकर उसको ध्यान लगाइएगा, और उस वस्तु के ऊपर फूंक मारिएगा। फूंक मार करके 7 बार फूंक मार के आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा रात के समय में। सुबह में जब भी आपका नींद टूटे तो उस स्त्री का नाम 7 बार लेते हुए आप उठिए
और पहले सबसे पहले आप किचन में चले जाइए और चाय बनाइए। चाय पूरी तरह से जो खौलने लगेगा तो वस्तु जो है फिर से 7 बार उस स्त्री का नाम लेकर के उस वस्तु के ऊपर फूंक मारिएगा और वस्तु को चाय में डाल दीजिएगा, खोलता हुआ चाय में 2 मिनट 5 मिनट तक चाय को खोला दीजिए उसको डाल करके, और उसके बाद उस स्त्री का नाम लेकर के चाय को आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। उस वस्तु का नाम है बड़ी इलायची। इलायची जो छोटा होता है उसका बड़ी इलायची काला रंग का होता है, वो बड़ा इलायची आपको एक ठो लेना है और उस इलायची का प्रयोग से आपको करना है क्रिया को। एकदम 100% वो स्त्री आपको देगी, जो मांगेगे सो देगी। आप इसको करके देखें, एकदम सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।